नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के बारे में। दोस्तों ये हम लोग जानेंगे डीएनए के बारे में, और आप जानते हैं बोर्ड जैसे परीक्षाओं में डीएनए से हर साल डिफिनेशन परिभाषा और इनसे संबंधित दोस्तों प्रश्न भी बनते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और यदि आप हमारे दोस्तों इस चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों जो डीएनए होता है जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए का दोस्तों पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, यानी डीऑक्सीराइबो हो गया न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आ रही है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये डीएनए है क्या और किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इन सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों जो डीएनए होता है, डीएनए एक अणु यानी एक बहुलक है। डीएनए दोस्तों एक बहुलक होता है, और डीएनए आप जानते हैं बहुलक होता है, जैसे पॉलीमर होता है दोस्तों, जो एकलक इकाइयां होती हैं। पॉलीमर दोस्तों जो प्लास्टिक वगैरह होती है, ये बहुलक से बनते हैं। इनमें एकलक इकाइयां बहुत लंबी श्रृंखला में जुड़ते हुए चली जाती हैं, यानी डीएनए आपको ध्यान रखना है बहुलक होता है। दूसरा क्या कह रहा है? जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। अब दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डीएनए। अक्सर हम लोग जैसे कभी कभी देखते हैं कोई जानवर होता है, कोई मनुष्य होता है, जब शरीर उसका मृत हो जाता है तो हम लोग दोस्तों डीएनए से पता करते हैं ये व्यक्ति किस खानदान का है। ठीक, तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं डीएनए एक बहुलक होता है, इसके अंदर एक अनुवांशिक पीढ़ी का लक्षण पाया जाता है। अनुवांशिक पीढ़ी का मतलब दोस्तों ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। दोस्तों अब ये मतलब जरा हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी के बाबा हैं, उनके पिताजी दोस्तों जो होते हैं, उनकी जो पीढ़ी का डीएनए होगा वो हमारे अंदर डीएनए जरूर होगा। ठीक, इसे अनुवांशिक अणु भी कहते हैं। दोस्तों यदि आपसे कोई पूछता है अनुवांशिक अणु किसे कहते हैं, तो डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक अणु कहते हैं, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। अब दोस्तों देखते हैं डीएनए की खोज। दरअसल दोस्तों डीएनए की जो खोज हुई थी फ्रीडरिक मीसर ने की थी सन 1869 में। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, डीएनए की खोज फ्रीडरिक मीसर ने की थी सन 1869 में। और आप देख पाए डीएनए एक बहुलक होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है, इसीलिए डीएनए को हम लोग अनुवांशिक अणु भी कहते हैं। दूसरा दोस्तों देखिए पॉइंट क्या लिखता है, दूसरा पॉइंट दोस्तों लिखता है विल्किंस तथा फ्रैंकलिन के अनुसार डीएनए की संरचना कुंडलित होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, विल्किंस तथा फ्रैंकलिन के अनुसार डीएनए की संरचना क्या होती है? कुंडलित होती है। बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता। अब ये देखिए दोस्तों जो डीएनए आप देखेंगे इसकी जो संरचना होती है वो कुछ ऐसे होती है, ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगी, ऐसे इस प्रकार से। तो डीएनए की दोस्तों संरचना ऐसे देखने के लिए मिलती है। तो ये किसके अनुसार इसकी कुंडलित संरचना होती है? विल्किंस तथा फ्रैंकलिन के अनुसार। ठीक, फिर देखिए दोस्तों और आप देख पा रहे हैं और आप देखेंगे जो थंबलेट है वहां पर आपको डीएनए का आकार भी दिखेगा। वीडियो पर आप देखेंगे दोस्तों डीएनए का आकार कैसा होता है ये भी आपको दिखेगा। लेकिन वाटसन तथा फ्रिक के अनुसार डीएनए की संरचना द्वि कुंडलित मॉडल होती है। दोस्तों विल्किंस तथा फ्रैंकलिन ने कहा डीएनए की संरचना कुंडलित होती है, लेकिन वाटसन फ्रिक ने क्या कहा? डीएनए की संरचना दोस्तों जो होती है द्वि कुंडलित होती है। बात समझ में आ रही है? द्वि कुंडलित आप देखेंगे जैसे एक एक ऐसे सांप के जैसे किया फिर दूसरे को ऐसे लपेट देता है इसमें, और आप देख पाए इसकी संरचना का आप देख पा भी वीडियो में चलते हुए वीडियो में आपको दिखेगा भी। डीएनए की संरचना को कुंडल से बनी एक लंबी श्रृंखला होती है। सही बात, एक लंबी श्रृंखला होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए डीएनए की संरचना एक लंबी श्रृंखला होती है। फिर क्या कहता है? डीएनए के एक अणु में सहस्त्र और लाखों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। दोस्तों ये चीज आप देख पा रहे हैं डीएनए के एक अणु में सहस्त्र और लाखों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी आप देख पा रहे हैं दोस्तों डीएनए अणु की आकृति, तभी तो इसे हम लोग बहुलक कहते हैं।
बहुलक जहां भी दोस्तों लगता है उस अणु की आकृति बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पाए डीएनए के बारे में, और इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।